जब ईशा के साथ हुआ था यही चीज, जब समर्थ घर में आए थे वो तो वो सपोर्ट अभिषेक को कर रहे थे, ईशा को नहीं कर रहे थे कि ईशा गलत है, समथिंग लाइक दैट। बट द थिंग इज मैम, यहाँ पर ये बात आ रही है कि ईशा ने किया सो ठीक, तभी किसी ने उसको टॉर्चर नहीं किया, बट मुनव्वर ने किया, सो व्हाट इज द रीजन, यू नो, सबके सब मुनव्वर को टॉर्चर किया है क्योंकि वो लड़की है, इनसिक्योरिटी में थोड़ी थोड़ी। थैंक यू फॉर पुटिंग इट जस्ट द वे इट शुड बी, यू नो, जैसे उस दिन हमारा आप कल के एपिसोड में देखेंगे कि चलो वो नहीं बात करते क्योंकि वो आने वाला है, सो लेट्स नॉट टॉक ऑन व्हाट इज नॉट ऑन एयर। ठीक है, उसके बारे में भी बताती हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं, बट कमिंग टू हर पॉइंट कि भाई ईशा के साथ भी एक चीज़ हुई, बट उसके बारे में किसी घर वाले ने ऐसे नहीं किया, सबने बोला नहीं यार सेंसिटिव मामला है, शांत हो जाओ, यू नो इट्स अबाउट अ गर्ल, लड़का भी है, ठीक है, जो भी है शट इट, उनका पर्सनल मैटर है, हैंडल हो गया, छोड़ दो, ठीक है। हम में से किसी ने उस बारे में कोई चर्चा, कोई खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना, टॉन्ट मारना नहीं किया, बट जैसी वह चीज़ मुनव्वर के साथ आई तो सारे खड़े हो गए। तो मैंने बोला, मैंने कहा जब ये हुआ सारे शांत हो गए थे, सारे अपने सेंसिबिलिटीज लगा रहे थे क्योंकि वो इनिशियल स्टेज था, अब सारे मैच्योर हो गए हैं, सारे गेम में आ गए। 11वां हफ्ता है डूड, नहीं लोग वेट कर रहे थे कि मुनव्वर कब तक कोई पॉइंट नहीं मिला, अब पॉइंट मिला तो अब पकड़ो। फैक्ट है, सारे एपिसोड्स देख लो, मुनव्वर का कोई पॉइंट नहीं था और मुनव्वर का तो ब्रेक, क्या बोलते हैं आप लोग, ब्रेकिंग न्यूज आया तो सबने उठा लिया।